तो तीसरे का पहला करते हैं, यदि समीकरण kx माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस y बराबर 5 दो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करती हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी दो समीकरण है, दो रैखिक समीकरण है और एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने की शर्त क्या है? ठीक है, तो यहाँ वो शर्त का इस्तेमाल करेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होने की शर्त। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ, एक बिंदु पर या फिर अद्वितीय हल होने की शर्त, कोई भी लिख सकते हैं आप। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होने की शर्त, ये तीन शर्त है, तीनों शर्त आपको अच्छे ढंग से पता होगी। जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होने की शर्त है वो है ए वन बाय ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू। ठीक है, और सिंपल सा आपको यहाँ से ए वन ए टू बी वन और बी टू के मान आपको लिखना है। पहला जो समीकरण होगा उसमें आपको ए वन मिल जाएगा, यानी एक्स का जो गुणांक है, इस एक्स का गुणांक है वो के है, तो ये हो जाएगा ए वन, तो यहाँ लिखूंगा मैं के। फिर बट्टा ए टू क्या हो जाएगा, ए टू हो जाएगा देखिए दूसरे समीकरण का एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। ए वन ए टू का काम हो गया, अब बी वन और बी टू, तो देखिए बी वन है वो क्या है, इस समीकरण के वाई का गुणांक क्या है -2, तो यहाँ आ जाएगा -2। फिर बट्टा बी टू दूसरे समीकरण में वाई का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो के का मान पूछा है, तो यहाँ देखिए के का मान ज्ञात कीजिए, तो के का मान निकालने के लिए यहाँ वज्रगुणन कर देंगे, तो k बराबर हो जाएगा k नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल टू है वाली शर्त है, तो 3 का गुणा सीधा -2 से होगा, तो आ जाएगा माइनस का 6। इस 1 का गुणा k से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k का k ही आएगा, और इस 3 का गुणा किससे हो गया 2 से, -2 से, तो आ गया माइनस का 6। यानी k का मान -6 नहीं होना चाहिए, तभी ये क्या होगा अद्वितीय हल होगा, एक बिंदु पर रेखाएं हैं वो क्या करेगी प्रतिच्छेदित करेगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस करना है।